तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज लेके आए अपने पास फिर से एक मॉडिफिकेशन वाली अपनी बढ़िया गाड़ी जो कि है स्विफ्ट, जिसका सबसे ज्यादा भाई ट्रेंड भी है। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा था भाई, जिस भाई की ये गाड़ी है वो खुद भी रिव्यू वगैरह करते हैं और ओनरशिप रिव्यू वगैरह भी करते हैं। और बाकी भाई पहले जो अपनी गाड़ी थी ना, ये होती थी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जैसे बेसिक एक अपनी स्विफ्ट होती है नॉर्मल वाली वैसी। अब भाई ने इसमें करा दिया भाई थोड़ा सा काम, जो कि हर गाड़ी को यार एक मतलब अलग लुक देती है, जो कि भाई सबसे मेन चीज होती है गाड़ी के एलॉय। तो मैं सब चीज दिखाऊंगा आपको। पहले भाई से मिलवा देता हूँ एक बार आपको, है ना। तो आजा भाई, कैसे भाई? बड़े भाई, कैसे आदित्य भाई? बढ़िया भाई। तो भाई, भाई को आप जानते होगे बहुत अच्छे से जानते होगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले भाई पूछ रहा था, पहले हमने आपकी गाड़ी देखी थी, है ना, नॉर्मल बिल्कुल स्टॉक चल रही है ना, स्टॉक चल रही थी बिल्कुल। तो अब भाई ने जो है काम करा दिया इसमें, जो कि अपना भाई एलॉय हो गए, अंदर के सीट कवर, बाकी बहुत सारे काम करा रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई मैं सबसे पहले एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे, जी भाई। ये आपने एलॉय पहले तो कहाँ से पढ़वाई, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताओ यार आज। भाई देखो, जैसा आप सब लोगों को पता है कि भाई काफी सारी गाड़ियों का रिव्यू करता रहता हूँ भाई, मतलब देखो यार मॉडिफिकेशन का शौक भी है, मॉडिफिकेशन की वीडियो बनाने का भी शौक है, मतलब एक तरीके से काम ले लो, शौक ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों चीज बराबर है। हाँ, वही वाली बात है। अब जैसे भाई अपने आदित्य भाई बता रहे हैं, तो भाई अलॉय जो मैंने ना भाई, मैं आपको देखो मैं ऐसा मानता हूँ, जो चीज है ना वो चीज है, ऑफ कैमरा भी वही हूँ और भाई ऑन कैमरा भी वही हूँ। तो भाई जो अलॉय है मैंने भाई PDW के भाई, अपने ये जो अलॉय डलवाए भाई, ये मैंने 18 इंच के अलॉय डलवाए, जिनकी प्रोफाइल मैं आपको एक बार बताऊं, तो वैसे बता दो 200 कहाँ है प्रोफाइल भाई, वैसे मैं खुद ही भूल जाता हूँ। हाँ भाई 215/40R18। तो भाई जैसा कि भाई 18 इंच के भाई अपने अलॉय होने वाले, और जो अलॉय मैंने डलवाए भाई सेकंड हैंड अलॉय डलवाए मैंने, नई डलवाए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि भाई ये मैंने डलवाए थे टेस्टिंग पर्पस से। अच्छा, मैं जैसे स्विफ्ट यूज करने के लिए, बिल्कुल पता लग जाएगा कि ओनरशिप रिव्यू भी हो जाएगा भाई, बंदों का रिव्यू अलग होता है जब तक अपने ऊपर नहीं बीतता। भाई जो स्टॉक टायर आते हैं इसके साथ, उसका साइज वगैरह क्या होता है? भाई देखो उसका था आई थिंक 80 था उसका, और 14 की वो थी उसकी भाई, जो प्रोफाइल थी, रिम जो होता है वही नॉर्मल स्टॉक रिम जो 14 इंच आता है स्विफ्ट के अंदर। तो मैंने इसके अंदर भाई 18 इंच इंस्टॉल कराया, जिसकी वजह से भाई मैं मतलब देखो फायदे तो सबसे बड़ा क्या है कि गाड़ी जब से डलवाई गई लुक आ गई है, इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई है। अब गाड़ी में कहीं रोकता हूँ तो बंदे पूछते हैं, प्लस भाई चैनल का भी नाम पीछे लिखा हो, बंदे पूछते हैं कि भाई ये है वो है कैसे डलवाए क्या है, तो एक तो हो गया थोड़ा शो ऑफ वाला। अब बात करें कि शो ऑफ से अलग इस चीज को लेकर चले, तो भाई अलॉय मेरे हिसाब से ना स्विफ्ट के अंदर भाई 17 से ऊपर ले जाना बेवकूफी है भाई, ये तो है। उसके पीछे रीजन है, पूछना चाहता हूँ भाई मैं एक बार ऑनेस्टली एक चीज बताओ मुझे जी, अलॉय पढ़वाने के बेनिफिट्स हैं? भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एज कम्पेयर टू इन रियल लाइफ विदाउट द कैमरा अगर बात करो ना, तो अलॉय का 1% भी कोई फायदा नहीं है। सस्पेंशन बेकार और एवरेज बेकार, मैं तो रखा डीजल में, एवरेज का गाड़ी की लाइफ बेकार है भाई, बहुत सारे खर्चे बढ़ते हैं अलॉय लगवाने के बाद, खर्चे कम नहीं होते। बाकी बात करें ऑन दी कैमरा भाई, इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फिर भाई शो ऑफ से रिलेटेड, भाई अपना काम ऐसा है कि तुम दिखाओगे तो तुम चलोगे, तुम नहीं दिखाओगे तो तुम रुक जाओगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो अपना काम ऐसा है, तो बेसिकली सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर रील्स वगैरह से रिलेटेड डलवा रहे हो तो अलॉय डलवाओ, ऐसा नहीं बड़े बड़े साइज डलवा लो भाई, गाड़ी के हिसाब जैसे भाई अपनी
ऑल्टो में ले लो तो 15 तक बहुत है, ऑल्टो में लोगों ने 17 भी डलवा रखे, वो भाई टायरों पे चलती है गाड़ी। स्विफ्ट में भी 20 तक मैंने देख रखे हैं। बहुत है भाई, एक भाई का भी रिव्यू करने जा रहा था, भाई नाम है उसका, तो भाई उसने 20 डलवा रखे हैं, लेकिन वो भाई भी खुद बोलता है कि लोकल में चलाता हूँ, ज्यादा बंदे नहीं बैठते। अब मेरा क्या है, जैसे अलर्ट डलवा लिए, पीछे मैंने गुटके भी लगवाए थे इसके अंदर भाई, 18 इंच में भाई दिखा देता हूँ। हाँ तो भाई एक बार आप लोगों को दिखा दो भाई, पीछे ना यहाँ पे मैंने इसमें नीचे पैड्स लगवा दिए थे, रबर पैड्स आते हैं गुटके बोलते हैं उनको हिंदी में, रबर पैड्स होते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे कि भाई बता रहे हैं कि भाई बेनिफिट भी है, और भैया शौक के लिए तो बेनिफिट है। हाँ भाई, और वैसा भाई कोई बेनिफिट नहीं है, अगर शौक के लिए गाड़ी बनानी है तो एलॉय लगवा सकते हो। बिल्कुल भाई, फैमिली के साथ घूमना ना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बिल्कुल जैसा भाई लगा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई जी, जी बिल्कुल सही बात है। तो भाई एक चीज पूछ रहा था, इसका मतलब मोटा मोटा खर्चा कितना आ गया? भाई देखो, अगर आप नए अलॉय में जाओगे ना 18 इंच में, तो मोटा मोटा आपको पड़ेगा भाई 68 से 70 हजार रुपए के आसपास, अगर आप बढ़िया चीज लगवा रहे हो कहीं से। हाँ नहीं, चारों अलॉय के, चारों अलॉय विद टायर, ठीक है। और अगर आप जा रहे हो मतलब 17 इंच पे जा रहे हो, तो भाई 17 इंच में तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 50,000-55,000 तक के लग जाते हैं। तो भाई जी एक बात बताओ, ये मैंने सेकंड हैंड लगवाई, तो मेरे को भाई 35,000 के लगे। जी जी भाई जी। तो मैं एक चीज पूछ रहा था, मतलब जो कंपनी एलॉय वगैरह देती है उसका तो कोई मतलब कि वो होता नहीं है, मजा नहीं है, मतलब मजा नहीं आता ना उसमें। अब वही वाली बात होगी भाई, स्टॉक रखना है तो जो कंपनी एलॉय देती है उससे बढ़िया तो मेरे 14 इंच वाले रिम चल रहे थे, तो ये वाली बात आएगी। तो अपना ना एक मजा नहीं आता उसमें कि ऐसा लगवाओ वैसा लगवाओ, तो ये वाला सीन। लेकिन भाई ऐसा है, जैसे मतलब आपके तो 18 इंच है, 15-16 इंच के भी मैंने एलॉय देखे हैं। हाँ भाई, वो भी मतलब ठीक ठाक मजा देते हैं। हाँ, लेकिन उनके सामने भाई यही प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। पता क्या कहते हैं कि भाई गड्ढे में भाग रही है गाड़ी, तो प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल है भाई। देखो अलॉय के साथ ये थोड़ा देखना पड़ेगा, अलॉय लगवाने के बाद ना, तो पहले तो मतलब एलॉय वगैरह की तो अपनी बात भाई ओके हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भाई एक बार भाई ने फ्रंट पे भी काम करा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले भाई इसमें क्या क्या चेंज करा दिया फ्रंट में। तो भाई फ्रंट में बात करता हूँ, बेसिकली ना फ्रंट में क्या क्या करवा सकते हो, क्या क्या चेंज मैंने करवाया मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या भी होने वाला है भाई। देखो भाई, होने के लिए तो गाड़ी ऐसी चीज है ना, कभी भी इनका काम पूरा नहीं होता। ये तो है, जिंदगी भर भी चलो, कितना भी लगा लो चलता रहेगा भाई, लगा लो भाई कितना भी। हाँ कितना भी पैसा लगा लो, गाड़ी है 8 लाख की गाड़ी लिए, 12 लाख लगा लो, 12 लाख लगा लो भाई गाड़ी के अंदर। कभी भी कोई बंदा ये नहीं कहेगा की हाँ आपकी गाड़ी इतनी लग रही है, ऐसी लग रही है, या इतना लगा दिया। जी कोई बताएगा ही नहीं। लोग बाग क्या एक मिथ है दिमाग में लोग बागों के कि एलॉय क्या है, एलॉय अपने जो नॉर्मल टायर आते हैं उन्हें दो, और उन्हें रिम को दो अलॉय भाई 20-25 हजार रुपए और दो, और जो एलॉय लग के तैयार हो जाता है। तो मेरे तो अभी भाई टायर भी घर पे, मैं तो बता रहा हूँ टेस्टिंग पर्पस से मैंने लगवाया, टेस्ट कर रहा हूँ, अगर सक्सेस रहा तो मैं 17 पे जाऊंगा, 18 में जब भी नहीं रखूंगा भाई, ये अभी मैं कैमरे में बता रहा हूँ सब भाइयों को अपने। तो बात करते हैं भाई फ्रंट में जो मैंने भाई गाड़ी के अंदर काम करवाया, जैसा मेरा भाई LDI मॉडल है, मैंने ना इसको VDI टाइप थोड़ा लुक दिया हुआ है, जिसमें मैंने भाई अंदर जो भाई लाइट है इसके अंदर भाई, वो मैंने अपनी क्विक सोनिक की डलवाई हुई है भाई 140 वॉट। अच्छा अभी डलवाई। हाँ भाई, परफॉर्मेंस कैसी है भाई? भाई बहुत बेहतरीन है, मतलब बोलते हैं ना लोग नाइट आई लगाओ ये लगाओ भाई, देखो भाई। हर कंपनी अपने उसमें भाई परफेक्ट दे रही है। तो देख लो भाई, सुन लो, आपको एक रिव्यू तरीके का भी मिल गया। और भाई वारंटी भी बात करें ना, तो भाई क्विक सोनी की 2 साल की वारंटी, ऐसा नहीं है कोई भी प्रमोशन नहीं है भाई, मत लो मेरे कहने से। लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि भाई मैं गाड़ी का रिव्यू करता हूँ, नाइट आई RD मैंने सब देखा हुआ है, ठीक है। ब्लैक कैट देखो, अब बात करें ब्लैक कैट के ऊपर, वो बहुत अच्छी चीज है, अलग लेवल की चीज है। अपने बजट के हिसाब से भाई क्विक सोनी है, जो कि भाई अपनी मेरे को पड़ी थी 55 या 6,000 अराउंड भाई, मेरे को 140 वॉट अपनी लाइट पड़ी थी भाई, अपनी पड़ गई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नीचे। हाँ तो नीचे जो भाई मैं जैसा अपना देख रहे हो भाई, ये अपने IPH के प्रोजेक्टर लैंप लगवा रखे हैं भाई। इनका बेसिकली काम क्या है भाई, ये एक तो होते हैं भाई प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है भाई, एक तरीके से पहले टॉर्च नहीं आती थी, जो टॉर्च ऊपर तक जाती थी, तो भाई ये ना बहुत दूर तक रोशनी देते हैं। और हाँ, इसके अंदर जो ऑप्शन होता है ना भाई आपका, इसमें वो है डिपर वाला भी ऑप्शन होता है इसके अंदर, ऑन ऑफ और डिपर वाला ऑप्शन होता है इससे भाई, इसको भी डिप कर सकते हो आप, ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अंदर जो मैंने इंस्टॉल करवाया भाई, वो आपका है भाई आई थिंक सो 80 वॉट। हाँ वो है भाई, वो है, वो भी क्विक सोनिक का ही है शायद 80 वॉट, वो भाई अप्रोक्स पड़ा था मेरे को 2,000 रुपए के आसपास, क्योंकि वो मतलब क्विक सोनिक की लो रेंज, मिडिल लो रेंज में आ जाता है थोड़ा। तो भाई एक चीज मतलब कि मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि इसमें तो मतलब एक बल्ब के लिए ही होता है ना। हाँ। और जैसे ब्रीजा है, ब्रीजा में 2 बल्ब होते हैं, ब्रीजा में 2 आते हैं ना, हाई बीम का लो बीम का अलग अलग होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो होता है ये मतलब कि एक से ही काम चल जाता है ना। हाँ, एक से भाई, एक है भी डलवा दिया, अब चाहो तो तुम अपनी ब्रीजा में फॉग लैंप में वही रहेगा, ऊपर डलवा दो भाई मजा आ जाएगा उसके अंदर भी, वो भी क्योंकि भाई जरूरी है ना, अगर एक बल्ब चेंज करा रहे हो तो दोनों चेंज कराने जरूरी है, लो या तो कमजोर रह जाएगा या हाई कमजोर रह जाएगा। और ब्रीजा में टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स लगवा लो, बतेरा जुगाड़ है, हो जाता है, ठीक है भाई। तो भाई जिसके पास अपनी ओल्ड वाली स्विफ्ट है,
या कोई भी बंदा अपना नॉर्मल काम कराना चाह रहा है अगर गाड़ी में कि प्रॉब्लम ना आए, या फिर अपना मतलब कि एवरेज वगैरह फैमिली के साथ भी हो जाए और शॉप भी हो जाए, बिल्कुल, तो भाई अपने 15-16 इंच के लगवा लो एलॉय, प्लस नॉर्मल अपनी हेडलाइट वगैरह करवा लो यार कस्टम, या तो कस्टम वाली भी बतेरी मिल जाती है ना भाई, बहुत है भाई, बहुत है, इसके अंदर भी कस्टम मुझे मिल रही है 26,000 रुपए की नॉर्मल भाई, नॉर्मल अपना शॉप कर सकते हो। जैसे एक चीज भाई की सबसे बढ़िया लग रही है मुझे, कुछ तो भाई बोनट करा के डोल रहे हैं भाई ने, बस भाई कमेलियन अपने भाई मूड्स नेशन से करवाया भाई, खाली कमेलियन करवाया है, देखो बोनेट का इसलिए नहीं करवाया, देखो भाई थोड़ा सा ना इलीगल होता है बोनेट पे करा लेते हैं, डुअल कलर में आया उसका चालान होता है, अब मैं देखो जैसे तुम देख रहे हो, हाँ उसका चालान हो जाता है भाई, वैसे तो नहीं बोलूंगा लेकिन चालान हो जाता है उसका भाई, ठीक है। और भाई देखो जेड ब्लैक भी नहीं है, सारी गाड़ी जेड ब्लैक के रिव्यू करता हूँ भाई, जाली लगा लो ना, कर्टन बहुत है, जेड ब्लैक भी नहीं करवाई मैंने, अगर पुलिस वालों से बचना भाई और रूल वगैरह नहीं तोड़ने तो, और जो भाई तुम्हें लगता है कि तो भैया अपना वैम निकाल लेना, करवा लेना, करवा लेना भाई, सही बात है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही, हम भैया सपोर्ट तो करते नहीं है लेकिन एक बार बता देते हैं भाई, डिस्क्लेम करते हैं, अपनी वीडियो में बोलता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भाई एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि भाई साइड वगैरह में आपने मतलब इसकी लुक एकदम से भाई इनहेंस हो गई है ना, हाँ भाई अलॉय लगने के बाद लुक चेंज हो जाती है, मजा आ जाता है, बिल्कुल सही बात, तो जैसे कि भाई दिख भी रहा होगा पहले भाई एकदम नॉर्मल नॉर्मल गाड़ी थी, फैमिली गाड़ी थी, फैमिली गाड़ी अब भी है लेकिन थोड़ा अपना यूट्यूब पे रिलेटेड चल गया, भाई सुनने को क्या मिल लिया फिर घर पे, अब वही वाली बात है, जैसे कल परसों मेरठ गए थे तो घर वाले बोल रहे थे ना पीछे से लग रहे हैं जी भाई, मैंने इसमें रबड़ जैसा दिखाया तो मैंने भाई रबड़ गुटके लगवा दी, हिंदी में बोलते गुटके देसी भाषा में वो लगवा दी, उसके बाद भी हट रही है, तो अब बात करिए बंदे बोल रहे हैं स्प्रिंग डलवाओ, डबल स्प्रिंग डलवाओ, ये डलवाओ, तो बता रहा है ना मैं जैसे टेस्टिंग पर्पस है ये, तो ये 18 इंच इन दिस स्विफ्ट भाई टेस्टिंग पर्पस है, इसको और ऐसा एज यूजुअल कोई लेने का वो नहीं है, बहुत एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखो हम वीडियो बना रहे हैं और साइड में देखो जरा हमारा प्रशासन भाई इधर कुछ भाई LMC वाले वगैरह आए हुए हैं, LMC वगैरह भाई जिन्होंने जमीन वगैरह घेर रखी है अपनी, तो भाई उनका आज काम सेट हो जाएगा, हमारे ग्रेटर नोएडा में यही चलता है, चलता है फिलहाल, तो भाई माफियाओं की खैर नहीं है, और बाकी भाई अपने वीडियो की तरफ ही आ जाओ, हाँ ज्यादा बात करनी किसी के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है भाई, तो सबसे पहले भाई अंदर की तरफ आ जाते हैं ना, एक बार अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, तो भाई सबसे पहले तो इन्हें देख लो है ना भाई, ये बेसिकली पता क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं जब हम गेट वगैरह मतलब अपना ओपन करते हैं तो साइड में अगर कोई गाड़ी हो या कुछ भी खड़ा हो तो इससे भाई थोड़ी बहुत अपनी 19-20 जो है गाड़ी का जो गेट होता है वो बच जाता है बैंड होने से, क्योंकि उनकी साइडें मुड़ जाती है ना, तो सबसे पहले अब अंदर आ जाते हैं ना भाई, भाई हम तो बैठ भी, हमारा तो बेस मॉडल है भाई, बेस मॉडल हो या कुछ भी हो, तो भाई अब आगे गाड़ी के अंदर पहले भाई की वगैरह देख लो अपनी, ये भाई कवर है ना, हाँ भाई कवर है भाई, सब प्रमोशन है, सब प्रमोशन है भाई, सब प्रमोशन है भाई, कवर के कवर का भी भाई एक अलग ही मजा है ना, चाबी पूरी चेंज कर दी, बिल्कुल, तो भाई एक बार अंदर आ जाओ, अब अंदर से दिखाते हैं, आ चुके अपनी गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले तो यार मैं आपको एक इसमें सबसे नॉर्मल चीज जो दिखा देता हूँ, भाई भाई ने कोई ज्यादा एडवांस वाला नहीं लगवा रखा भाई, म्यूजिक सिस्टम का ज्यादा शौक नहीं है, इसलिए स्टॉक चल रहा है, वो भी चाइनीज टच लगी हुई है, बाबा आदम के जमाने की 5 साल पुरानी टच है, पापा ने इंस्टॉल कराई थी, इस टाइम पे वही चल रही है भाई, वही चल रही है ना, लेकिन अभी होने वाला है काम जैसा मैंने बताया, तो ज्यादा कुछ छेड़छाड़ अभी भाई ने करवाई नहीं है। और एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भाई आप सोच रहे होगे कि मतलब एलॉय की वजह से एवरेज नहीं आ पाता, ये नहीं आ पाता, वो एवरेज दिखा दो भाई, डीजल है भाई, एक बार मैं एवरेज दिखा देता हूँ डीजल में भी, अभी अपना 25.9 का चल रहा है, हाँ। ये भाई जी और जो दिखा रहा है वो दे रहा है, वो दे रहा है, वो मेरे को भाई है लग रहा होगा ना आपको, पता तो चल रहा होगा, जो चलाता है उसको पता रहता है, एवरेज दे रही है गाड़ी, एवरेज दे रही है ना गाड़ी, तो भाई मैक्सिमम कितनी भगाते हो इसे एलॉय के साथ, भाई देखो विदाउट एलॉय मैं अपनी गाड़ी लास्ट 175 तक गया हूँ भाई, डिस्क्लेम करता हूँ आप लोग ओवर स्पीडिंग नहीं करना कभी भी विदाउट एलॉय, अब जब से एलॉय लगाए भाई 120 तक लास्ट गए, 130 तक लास्ट, वो भी भाई दिल्ली से आ रहे थे करोल बाग से, तो अपना NH24 मेन खाली था, तो देखो भाई ओवर स्पीडिंग में डिस्क्लेम करता हूँ वैसे, लेकिन एलॉय के साथ भाई गाड़ी भगाने में बहुत ज्यादा खतरा है, खतरा ब्रेकिंग इशू है, वही बात आ गई ना, सब हैंडलिंग इशू है, ब्रेकिंग इशू है, हैंडल कांप नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ब्रेकिंग इशू है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ रिस्क, क्यों भाई लो प्रोफाइल हो जाता है, रिस्क रहता है, बाय चांस अगर थोड़ा सा भी अगर गड्ढा वगैरह आ गया टूट जाएंगे भाई, अलॉय तो नहीं बैंड होगा अलॉय, लेकिन टायर फटने का चांसेस है, अगर टायर फट गया तो भाई तुम जानते हो यार जिंदगी से बड़ी क्या चीज है, क्या चीज है, बिल्कुल सही बात है, और भाई मैंने तो टायरों में भी नाइट्रोजन डलवा रखी है, इसीलिए नाइट्रोजन डलवा रखी है, अलॉय वाले आपको कोई भी नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, मैं नाइट्रोजन डलवा के घूमता हूँ भाई, और भाई दूसरी चीज अगर आप फैमिली के साथ चल रहे हो सबसे बड़ा रिस्क तो यार उसमें है, आपका क्या जा रहा है, लेकिन पूरी फैमिली यार खतरे में डाल रहे हो आप एक तरीके से, बिल्कुल सही बात है, तो भाई एलॉय वगैरह अपना सोच समझ के लगवाएं, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया भाई इतने 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 और ये लगवा लो वो सब, खाली देखो जो मैं खुद बोल रहा हूँ कि जो वीडियो हम बनाते हैं ना उस दिखावट होती है,
वो बंदे दिखाते लेकिन, हैं बस लेकिन भाई एक चीज उसके पीछे की जो रियलिटी है ना वो मैं बताता हूँ कि वो भी परेशान होते हैं, ठीक है, परेशान कहीं ना कहीं परेशान होते हैं वो भी। और दूसरी चीज वो उस गाड़ी को सिर्फ अपने मेन पर्पज के लिए यूज करते हैं ना कि फैमिली के साथ भाई। वो प्राइमरी व्हीकल्स नहीं होते किसी का, हर किसी का सेकेंडरी व्हीकल भी होता है, वो हमारे पास प्राइमरी है। अब भाई जैसे कि हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, हमने गाड़ी जेड करा रखी है अपनी, भाई कोई रोक लेगा दिक्कत है। फादर के साथ किसी ने गाड़ी रोक ली, फादर 4 गाली आपको देंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद जो चालान कटेगा वो आप पे करोगे, हाँ, और उसके बाद अपनी गाड़ी बेस्ती जो होगी भाई रोड पे, जो होगी वो अलग, ठीक है, कि भैया हवाबाजी में घूमता था, रील बनाता था, और बहन जो फिल्म होता वैसे फिल्म फटती फिर रही है, तो वही वाली बात है भाई। तो भाई ऐसे काम ना करो, और अपने अपना जो आज का मोटिव है ना वीडियो का, वो भाई यही है कि एलॉय लगवाने चाहिए या नहीं, नहीं लगवाने चाहिए बेसिकली, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोग, यही चीज बताना चाह रहे हैं। और बाकी अगर आपको नॉर्मल काम कराना है तो भाई गाड़ी में देख लो, जैसे भाई ने अपना दिख रहा होगा बकेट वाले सीट कवर लगाए, भाई 5 साल हो गए। और भाई मैट्स वगैरह आपने 7D है शायद, हाँ भाई 7D डलवा रखे हैं, वो भी भाई ऑरेंज कलर के, जो भाई मैचिंग से डलवाए हुए हैं। एटमॉस्फेयर लाइट लगवा रखी है भाई ने, नॉर्मल नॉर्मल भाई, छोटा छोटा काम, ज्यादा महंगा काम नहीं, नॉर्मल नॉर्मल काम अपना, जो कि जो भाई खुद की कमाई, खुद की कमाई पे हो जाए, घर वालों से कुछ नहीं लिया भाई ने, गाड़ी घर वालों की है, बस पैसा अपने ऊपर से लगा रखा है। तो बाकी मैंने आपको सब चीज दिखाई दिया, और भाई ये भी भाई के लिए जरूरी है, क्योंकि भाई यार भाई लाइव आ जाता हूँ ना, तो थोड़ा ये लगवा लिया भाई, इसीलिए मैं ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी भाई म्यूजिक सिस्टम में जो है तुम्हारे टोटल 6 स्पीकर है, जिसके अंदर 4 भाई अपने को एक्सल है, JBL के को एक्सल डलवा रखे, पीछे भाई 2 ओवल पीछे दिखा दो भाई, पीछे 2 ओवल डले हुए सोनी के भाई, ठीक है भाई। टोटल अगर बात करूं भाई एम्प की, कोई झूठ बोलूं भाई, मेरी गाड़ी में एक भी एम्प नहीं है अपनी, ये चाइनीज टच है, इतना लोड झेल लिया 6 स्पीकर का, प्लस भाई एक छोटी सी बेस ट्यूब रखवा रखी है 10 इंच वाली, और वो इनबिल्ट एम्प वाली जो आती है वो है पैनासोनिक की, हाँ भाई वो डलवा रखी है, ज्यादातर सारा चाइनीज सामान है भाई, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल भाई। ट्विटर और दिखा देता हूं भाई, ये अपने ब्लू फॉक्स के ट्विटर लगवा रखे भाई, छोटा वाला भाई कैसे लगवा लाया था, इसके परफॉर्मेंस कैसी है वैसे भाई, बहुत प्यारी है, गाने सुना देते हैं एक बार, हाँ गाने भी सुनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ गाड़ी की, ये अपना हैंड रेस्ट है, हाँ भाई ये भी भाई आफ्टर मार्केट, जिसमें अंदर नहीं दिखा सकता, अंदर भी दिखा दो भाई, परफ्यूम रखे हुए भाई, भाई ने, और भाई इसका जरूरी है, इसका मतलब इसकी यार क्वालिटी बढ़िया भाई, क्वालिटी बढ़िया यार इसमें भाई, बहुत सारी तरीके के आते हैं इसमें ना, इस वाले मॉडल में ना, जो न्यू वाले आ रहे हैं ना आजकल प्लास्टिक में, वो नहीं लग पाते इसमें ना, दिक्कत आती है, लगवा भी लो ना टूट जाते हैं, इसलिए भाई इसमें ना ये लकड़ी वाले ही लग पाता है, देसी जुगाड़ है भाई, क्योंकि पुराना मॉडल हो गया तो भाई ये तो निकलेगा भी नहीं ना, सही है ना भाई, निकलेगा नहीं, थोड़ा बड़ा डलवा रखा है, डिजायर का है शायद, ये डिजायर का है, इसकी क्वालिटी कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी नहीं है ना, पहले तो दबा के ड्रिफ्ट मारता था, अब तो मैं भाई अलॉय लगे जब से, तो गाड़ी भी अलॉय लग गए, तो भाई को सोचना पड़ रहा थोड़ा सा भाई, कॉम्प्रोमाइज हो गया, सस्पेंशन ऐसे ही चला जाता। तो भाई एक चीज और दिखा देता हूँ, पहले मैं बूट स्पेस दिखा देता हूँ, और फिर सिस्टम सुनाते हैं आपको, है ना, आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुना दो। तो भाई आ जाते हैं थोड़ा सा अपने बैक की तरफ, एक बार आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई बैजिंग देख लो, भाई ने भी करा रखी है, भाई की गाड़ी पे भी कराने वाले भाई, और मेरी पे भी होगी, ये हमारे बॉडी बिल्डर है, ये भाई छोटे वाले भाई की करतूत है भाई, वो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में ध्यान देता है, ठीक है, एक बार आप देख लो। और ये जेड नहीं है भाई, शीशा, ये कर्टेन लगा, ये कर्टेन लगा रखे भाई। और मैं आपको एक बार बूट स्पेस और दिखा देता हूँ, है ना ऋषभ भाई, दिखा दो भाई, तो बूट स्पेस में क्या छोटा ही आता है। तो आगे अपने भैया सोनी के स्पीकर वगैरह, अपने ये अपनी बेस ट्यूब आ गई जो ऐसे बताया पैनासोनिक, हाँ, और उसके बाद भी भाई बूट स्पेस काफी बच रहा, कुछ भाई अपने लठ वठ पड़े हैं, और जो कि भाई मैं बिल्कुल देखने वाली चीज है नहीं, ये मैं रिकमेंड भी नहीं करता भाई। तो भाई सबसे पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई, जो अब जो शिफ्ट आ रही है, भाई ने इस हिसाब से काम करा रखा है, जो सारी चीज बची रहे, फैमिली भी खुश रहा है और मैं भी खुश रहा हूँ, ठीक है, सही बात। तो भाई छोटी सी अपनी बेस ट्यूब है भैया, कौन सी कंपनी की है भाई, भाई वो पैनासोनिक की है भाई, उधर से घुमानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं घुमाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भाई, मैं एक चीज बता रहा था भाई, ये बेस ट्यूब भी है, 8 स्पीकर भी लगवा रखे हैं, 6 स्पीकर लगवा रखे हैं, और भाई 2 ट्विटर भी हैं, प्लस उसके साथ साथ भाई की सबसे बड़ी चीज जो है कि भाई एम्प नहीं लगवा रखा गाड़ी, एम्प नहीं है भाई गाड़ी के अंदर, एम्प का ना लगवाने का रीजन बताऊंगा, जिस गाड़ी में आपको बेस ट्यूब मिलेगी ना उसमें एम्प जरूर मिलेगा, एम्प ना लगवाने का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, एम्प लगवाने का ना रीजन यही है कि एम्प लगवाने के बाद ना अर्थिंग की दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर, अर्थिंग में क्या आता है ना, जैसे तुम रेस का पेडल रखोगे ना डीजल में, बेसिकली डीजल में ज्यादा आती है, जैसे अगर कहीं से सही सेटिंग नहीं होती, जैसी रेस दोगे ना उसमें पिन 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 एम्प के थ्रू स्पीकर में आ जाती है, ऐसे वो बहुत गंदा लगता है, इसलिए एम्प भी नहीं लगवाया। जैसे स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो में तो हमेशा, स्कॉर्पियो में तो है ही साले, ये सबसे बड़ी चीज है स्कॉर्पियो की, तो भाई तो देख रहे हो आप। और बाकी भाई आपको मैं एक बार म्यूजिक सुना देता हूं, म्यूजिक सोच रहे होगे कि बिगर एम्प के म्यूजिक आज सुन के देखना भाई, मजा आ जाएगा, अगर मजा ना आए तो बात बेकार, फुल मजा, सारी वीडियो बंद।
हमारे हिसाब से इतना ठीक है। भाई फिगर एम के चल रहा है मजा है भाई, इतना ही बहुत है यार, कोई टक्कर पे बहुत है अभी तो बहुत है फिगर एम के कोई ना फिर तो भाई म्यूजिक वगैरह आपने सुन लिया होगा, जरा म्यूजिक को करते हैं अपने को बंद तो जैसे कि भाई बता देना इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लगी, और बाकी आपने भाई गाड़ी के लुक वगैरह देख लिया, म्यूजिक भी सुना दिया, वो भी विदाउट एम्प यार, और क्या लोगे। तो भाई करते हैं वीडियो को अपनी को एंड यहीं पे, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, कोई भी क्वारी है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच भाई की, दोनों भाई की आईडी पे। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।